की इस वीडियो में मैंने आपके साथ बिरयानी मसाला की रेसिपी शेयर की है। इसके पहले भी मैंने चैनल पर कुछ मसालों की रेसिपी शेयर की है और आप लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विजय और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। इस बिरयानी मसाले का रिटेन इंग्रेडिएंट जो है वो मैंने वीडियो के लास्ट में दिया है और इसको किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैंने बताया है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस बिरयानी मसाला को हमें किस तरह से बनाना है और इसके लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। बिरयानी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और अभी गैस को मैंने ऑन नहीं किया है। पहले मसालों का प्रपोर्शन देख लेते हैं, फिर गैस को ऑन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 4 टेबल स्पून जो है वो धनिया है, 1 चम्मच नॉर्मल जीरा है, 1 चम्मच शाहजीरा है, 4 तेज़पत्ते हैं और अगर आपके पास छोटे तेज़पत्ते हैं तो 6 ले लीजिए। मेरे तेज़पत्ते देखिए बहुत ही बड़े हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिया है। इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे। 3 इंच का एक दालचीनी का टुकड़ा है, उसको भी तोड़ लेंगे। 4 यहाँ पे तीखी वाली लाल मिर्चें हैं, 4 कश्मीरी लाल मिर्च है, 1/2 चम्मच काली मिर्च है और अभी गैस को ऑन कर लेंगे और गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है। अब इनको 1 मिनट के लिए सिर्फ भूनना है, हल्का सा गर्म कर लेना है और अगर आप चाहें इस तरह से सेकना ना चाहें तो आप इन मसालों को धूप में 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से कड़क सुखा लीजिए और फिर उसके बाद इस मसाले को बना सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे इसको भून लूँगी, फिर मैं बाकी मसाले आपको बताऊँगी और मसाले कौन से ऐड करने हैं। मसालों को भून के 1 से 1.5 मिनट हो गया है और ये मसाले जो हैं वो हल्के से गर्म हो गए हैं। अब हम इसमें बाकी मसालों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 2 टेबल स्पून जावित्री ली है और अगर आप फूल में देखेंगे तो 2 फूल है, 12 से 15 लौंग है, 1/2 चम्मच सौंफ है, 2 चम्मच ये पत्थर के फूल हैं जिनको कि दगड़ फूल भी बोला जाता है, 15 यहाँ पे छोटी इलायची है और अगर बड़ी है तो आप 10 ले लीजिए, 3 बड़ी इलायची है काली वाली, 1/2 जायफल का टुकड़ा है और 3 मैंने यहाँ पर स्टार अनीज लिया है। अब इन मसालों को भी हल्का सा गर्म कर लेंगे। धनिया को गर्म होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने इसको सबसे पहले ऐड किया था। ये मसाले जो हैं वो जल्दी ही गर्म हो जाएंगे। तो 1 मिनट के लिए और इन मसालों को गर्म कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट मैंने गर्म मसालों को भी अच्छे से गर्म कर लिया है और ये सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से अभी गर्म हो गए। देखिए कितने अच्छे से तेज़पान जो है वो टूट रहा है। ये देखिए मिर्चें भी एकदम कड़क हो गई हैं और धनिया भी अच्छे से फूट रहा है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और अब इन मसालों को किसी भी प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से और इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और इसको पीसते समय कुछ चीज़ें और मिलाएंगे वो भी मैं आपको उस समय बताऊंगी। तो इसको हल्का सा पहले ठंडा कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे मसाले जो हैं वो ठंडे हो गए हैं, अब इनको मिक्सी के पॉट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारे मसाले को मैंने यहाँ से मिक्सी के पॉट में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसमें ये 1/2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और नमक के साथ इन मसालों को पीसेंगे। नमक यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का काम करता है, वैसे भी हम अगर मसालों को सुरक्षित रखना हो तो उसमें नमक ऐड करते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे नमक को ऐड कर दिया है। अब इसके साथ मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मसाले यहाँ पे पिसके रेडी हो गए हैं और अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और हल्दी के साथ फिर से इसको ग्राइंड कर लेंगे। इतनी शानदार खुशबू आ रही है इसकी कि मैं आपको बता नहीं सकती, आप जब बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए फिर से एक बार इसको हल्दी के साथ ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बिरयानी मसाला जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो गया है और अब इसको किसी भी ग्लास के कंटेनर में निकाल के और इसको स्टोर कर लीजिए। बिरयानी मसाला को मैंने यहाँ पे ग्लास के कंटेनर में निकाल लिया है, अब इसको ढक्कन लगा के स्टोर कर लीजिए। 2 महीने तक आपका ये बिरयानी मसाला जो है इसी तरह से खुशबूदार बना रहेगा और अगर आपने इसको फ्रिज में स्टोर कर लिया तो इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, आप 6 महीने तक इस बिरयानी मसाला को यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप बिरयानी मसाला को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने 1/2 किलो चिकन या मटन लिया है तो उसमें 1 चम्मच इस बिरयानी मसाला का ऐड कर दीजिए, आपकी बहुत ही शानदार बिरयानी जो है वो बनके रेडी होगी। तो आप भी इस बिरयानी मसाला की रेसिपी को ट्राई करिए और अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।